बात करते हैं संसद की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में वो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट तक बोले और इस दौरान उन्होंने एनईटी, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर बातचीत की। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और इस दौरान सदन में हंगामा भी देखा और गर्मागर्मी भी। इससे पहले कि हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच की अहम बातें सुनवाएं, पहले ये देख लेते हैं कि आज राज्यसभा में हुआ क्या। माननीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, प्लीज सिट डाउन। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। किसी भी परिस्थिति के अंदर संवैधानिक मर्यादा को लांघना मेरे मानस में नहीं है। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बीच में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। स्पीच के 32वें मिनट पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा तो हंगामा शुरू कर दिया गया और विपक्ष वॉकआउट करके वहां से निकल गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं, ये काम करने में विश्वास नहीं रखते, बस इंतजार करना जानते हैं। और इसी बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बाकी स्पीच विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही पूरी की। हम आपको विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के कटाक्ष तो सुनवाएंगे ही, लेकिन पहले विपक्ष के वॉकआउट की तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पेपर लीक से लेकर के मणिपुर हिंसा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन उन्होंने सबसे जोरदार निशाना साधा इमरजेंसी पर। उन्होंने संविधान से लेकर के इमरजेंसी पर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। कुछ लोग जानबूझकर के उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है,
लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खड़े में हुई जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है।